उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकारी और भ्रष्टाचारी, और अब की बार फिर से उसी मंत्री का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत। उनके पास जो विभाग है हर जगह उसमें भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य विभाग के कई घोटाले हैं, एक एक करके खुलते जाएंगे। जहाँ पे सस्ती मशीन को महंगे दामों में खरीदा जा रहा है टेंडर के द्वारा, उनका उच्च शिक्षा विभाग पर कई बार सवाल, स्वास्थ्य विभाग पर कई बार सवाल, अब सहकारिता विभाग पर कई बार सवाल। 225 पदों पर सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ घोटाला हुआ था उसमें अभी जांच पूरी नहीं हुई, होगी भी नहीं, क्योंकि इनसे तो सभी डरते हैं, मुख्यमंत्री जी भी डरते हैं, तभी तो कुछ कर नहीं पाते। संघी है ना ये, संघी तो मुख्यमंत्री जी भी हैं, फिर क्यों डरते हैं? पता नहीं, शायद इनकी दोस्ती आदित्यनाथ जी से ज़्यादा है, इसलिए डरते हैं कि उनका बुलडोज़र कहीं इनके आना चल जाए। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि मार्च 2018 में जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने एक योजना शुरू करी, मुख्यमंत्री ई रिक्शा जन कल्याण योजना, हल्द्वानी के सहकारिता बैंक के माध्यम से, और इसमें हमारे लोगों को सस्ते दरों पर ई रिक्शा उपलब्ध कराना था और ऋण देकर। लेकिन अब इसमें हमारे लोग तो कम, मगर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के लोगों की बाढ़ आ गई, उनको ऋण मिल गया, कागज़ चेक नहीं करे गए, मात्र आधार कार्ड दिखाओ और ऋण ले जाओ। तो 30 करोड़ रुपए बांट दिए गए ऋण के रूप में, अब वो पैसा वापस नहीं आ रहा। ये तो हो गया एक और एक बड़ा घोटाला। अब दूसरा घोटाला, ये घोटाला भी राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी के निदेशक मनोज पटवाल के द्वारा सामने लाया गया। उन्होंने शिकायत लिखी है शासन को कि ये जो CCTV लगे हुए हैं ना, इसको किराए पे लिए हुए हैं। मतलब सहकारिता बैंक में आप किराए पर क्यों लगाएंगे CCTV? और अगर करना ही है तो खरीद ही लेते ना, और इतने सालों से आप किराया देते जा रहे हैं। अब इसमें जांच बैठ गई है। लेकिन ऐसा क्या है कि जहाँ जहाँ धन सिंह रावत जी का नाम आता है वहाँ वहाँ घोटाला सामने आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते और धन सिंह रावत को कब तक बैठा के रखेंगे। आपदा प्रबंधन का आपने सुना ही होगा, उन्होंने बताया था ऐप बना दिया बारिश आगे पीछे करने का, तो बारिश रोक ही देते हमारे यहाँ और पड़ोसी राज्य में, मगर मजाक काफ़ी हो चुका। इनको इनकी कुर्सी से हटाया जाए और विजिलेंस की जाँच इनके खिलाफ बैठाई जाए।